गुप्ता जो निदेशक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, सिक्योरिटी एजेंसी का टेंडर निरस्त नहीं करते, तो यही धरना भी होगा, भूख हड़ताल भी होगा, अनशन भी होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस न्यूज चैनल में। सहारनपुर के केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान यानी सिपरी में संस्थान के कर्मचारियों ने और वरिष्ठ समाज सेवी एवं भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने संस्थान डायरेक्टर के खिलाफ धरना दिया और संस्थान के डायरेक्टर के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए। आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब से इस संस्था के अंदर मनोज कुमार गुप्ता निदेशक के रूप में आए हैं, तभी से इस संस्था के अंदर भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद और महिलाओं का उत्पीड़न भारी तरह से किया जा रहा है। और जो यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, नीचे दर्जे के सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। जो सरकार से तनख्वाह मिलती है करीब 20,000 के करीब मिलती है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी रविराज सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से, जिसके मालिक कर्नल है, तानाशाही गुंडागर्दी के तहत भी तनख्वाह डकारने का काम किया जा रहा है। अगर उन्होंने इस बात की विरोध किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई, जान से मारने की धमकी और नौकरी से निकालने का काम किया, वो प्रमाण सहित हमारे पास मौजूद है। एक तो मांग करते हैं कि ऐसे सिक्योरिटी एजेंसी जो यहाँ तानाशाही गुंडागर्दी कर रही है उसका टेंडर निरस्त किया जाना चाहिए। ये सिक्योरिटी एजेंसी कितने समय से अभी कंटिन्यूटी में काम कर रही है? ये तो करीब 6 महीने से कर रही है। 6 महीने से? 6 महीने में ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इन्होंने पुराने जितने वर्कर थे 15 साल 10 साल जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, जो परफेक्ट, उनको सबको निकाल दिया और इस बिहार पर निकालना है। इन्होंने ये कहा था कि तुम्हें अधिक तनख्वाह मिलेगी, अगर रहना हो तो रहो, नहीं अपने घर जाओ। जो अभी आपका ज्ञापन देते हुए कहना था कि यहाँ पर कुछ ऐसे आर्मी जवानों को अवैध रूप से बनाया गया है जिनका अभी तक आर्मी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्या आपके पास उनकी लिस्ट है? क्या आप दिखाना चाहेंगे? हमारे पास जो यहाँ RTI मांगी गई थी, RTI की कॉपी मांगी गई थी और RTI की अभी आप पुराने का काम करेंगे। ये अनुराधा मैडम है, इसको देखो, ये सारी कॉपी इस तरह दी है, जो गलत सलत इनको मैसेज करने का काम इन्होंने किया। अनुराधा मैडम जी, ये अनुराधा जी सिपरी इस संस्था में किस पोस्ट पर नियुक्त है? वैज्ञानिक ई द्वितीय, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, और एक दूसरी है महिला, यह है प्रीति, यह प्रीति मैडम है, ये भी साइंटिस्ट है। इनको भी अश्लील शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने कंप्लेंट की है मिनिस्ट्री में, इनकी मिनिस्ट्री में इनकी कंप्लेंट की गई है। हाँ, मनोज कुमार गुप्ता की कंप्लेंट इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। ये अफसोसजनक बात। DM और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको हमने भेजा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ये अफसोस की बात है। अभी जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, किधर वो डायरेक्टर? तो दीक्षित जी बताओगे, भाग्य सुबह जी चोर है ये जो हमारे पास में डायरेक्टर साहब, किधर है? यहाँ के टूर पर, वो ऑफिसियल टूर पर है और आप द्वितीय मैनेजर डायरेक्टर हैं सर? डायरेक्टर हमारे जिस तरीके से सर का दिखाया हुआ है कि महिला के बारे में अदर भाषा का प्रयोग करना और उद्योग मंत्री जी के बारे में भी इस तरह के अभद्र
गाली गलोच टिप्पणी करना, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज्ञापन का ज्ञापन हमारे एओ ने लिख दिया, जो हमने ज्ञापन दिया हमारे एओ ने लिख दिया। अब आपकी क्या मांग है? देखो, अब हमारी मांग ये है, दो मांग है हमारी खास। तो यहाँ जो डायरेक्टर है मनोज कुमार गुप्ता, तुरंत उस पर कठोर कार्रवाई करके जेल भेज दिया जा और इसको यहाँ से हटा दिया जा। दूसरी मांग, रविराज सिक्योरिटी एजेंसी जो तानाशाही गुंडागर्दी वर्करों के साथ कर रहे हैं, जिनका भेदभाव करके सरकार की तनख्वाह को खुद खाने का काम कर रहे, तुरंत उसका टेंडर निरस्त किया जा। अगर ये काम नहीं होगा तो आज तो हम दीक्षित जी जो हमारे जो यहाँ के मैनेजमेंट हमारे पास आए हैं, इनके आश्वासन पर आज तो हम उठ जाएंगे, लेकिन फरमान नैट यही धरना देंगे जब तक मनोज कुमार गुप्ता को यहाँ से बर्खास्त करके और उसको जेल नहीं भेजा जाने का। और सिक्योरिटी एजेंसी, रविराज सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई, जिसने झूठा प्रमाण पत्र आर्मी का दे दिया, इससे बड़ा अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता।